हमारी मध्य प्रदेश सरकार द्वारा पेंशनरों को 5% DR देने का निर्णय कर 30 जनवरी 2023 को एक अर्धशासकीय पत्र छत्तीसगढ़ सरकार को धारा 49 के तहत परस्पर सहमति प्रदान करने हेतु प्रेषित किया गया था, जिसको भूपेश सरकार अपने यहाँ लंबित रखे हुए है और स्वीकृति प्रदान नहीं कर रही है, जिसके कारण मध्य प्रदेश के पेंशनरों को आर्थिक नुकसान हो रहा है और पेंशनर आर्थिक विषमताओं में जी रहे हैं। इसलिए हमने पेंशनर समस्या निराकरण एसोसिएशन मध्य प्रदेश मुख्यालय खंडवा के तहत आज भूपेश सरकार का पुतला दहन करने का निर्णय लिया। इसलिए हम सब पेंशनर आज इकट्ठे होकर भूपेश मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ सरकार का पुतला दहन कर रहे हैं। ये पूरे प्रदेश में हो रहा है कि केवल आपकी? हमने शुरुआत यहाँ से खंडवा से कर दी है, बाकी अन्य जिलों में सना सनक दो चार दिन के आड़ में ये पुतला दहन भूपेश सरकार का होता रहेगा। मध्य प्रदेश शासन का क्या रवैया है? मध्य प्रदेश शासन अपना दायित्व पूरा कर चुका है, वो 5% स्वीकृत कर छत्तीसगढ़ सरकार को 30 जनवरी को ही लेटर प्रेषित कर चुका है, जिसको आज 3 महीने हो रहे हैं। 3 महीने से छत्तीसगढ़ सरकार अपने यहाँ लंबित रखे हुए है, जिसके कारण पेंशनरों में काफ़ी रोष है और इस कांग्रेस सरकार को छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव में उनको सबक सिखा के रहेंगे। आपका शुभ नाम? मेरा नाम दर्शन सिंह तलरेजा, प्रांतीय अध्यक्ष पेंशनर समस्या निराकरण एसोसिएशन मध्य प्रदेश मुख्यालय खंडवा। भूपेश सरकार छत्तीसगढ़ सरकार भूपेश तेरी तानाशाही नहीं चलेगी। भूपेश तेरी तानाशाही नहीं चलेगी।